अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि दोस्तों आपने थंबनेल पे देख लिया होगा कि ये क्या चीज़ है, दोस्तों इसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। ये ऑल इन वन है दोस्तों। इसमें आप दुनिया का कोई भी शू लगा होता है आपका किसी चीज़ के भी साथ, या दोस्तों कंप्यूटर में, या इस्त्री में, या वॉशिंग मशीन में, या ओवन में, या LED में, दोस्तों मतलब आपने कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ परचेज़ किया है तो उसके साथ किसी किस्म का भी शू लगा हुआ है तो आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि दोस्तों ये जो बोर्ड है ये मल्टी है, ऑल इन वन, यानी कि दोस्तों आप इसमें हर चीज़, हर स्विच लगा सकते हैं बिना किसी अडॉप्टर आगे से लगाए। डायरेक्ट ही दोस्तों आपका इसमें शू लग जाएगा, मतलब आपको इलेक्ट्रिक शॉप से कोई भी शय या चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है, अडॉप्टर वगैरह जो आप उस चीज़ के आगे लगा के, स्विच के आगे लगा के इसके अंदर लगा लें। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके लिए ये लेके आया हूँ। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो साथ बेल आइकन शो होगा उस पर भी क्लिक कर दें ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, क्योंकि दोस्तों मैं इस तरह की रोज़ वीडियो अपलोड करता हूँ। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और क्लिक करें इस बेल आइकॉन पर मेरे आने वाली वीडियो देखने के लिए। तो यहाँ दोस्तों मेरे पास दो चीज़ें हैं, एक छोटे साइज में है दोस्तों, एक बड़े साइज में है। यानी कि दोस्तों यहाँ आपको काफ़ी ज़्यादा शू लगाने की जगह मिल जाएगी, और एक जो छोटा है दोस्तों इसको यहाँ से हाफ कर दें तो ये छोटी शीट बनाई हुई है दोस्तों इस्तेमाल करने के लिए। मतलब कि दोस्तों आपने जहाँ पे मोबाइल वगैरह चार्ज करना होता है तो इस बोर्ड को लगा सकते हैं। यानी कि दोस्तों आप अपने बेडरूम में ये बेड के साथ आप लगा सकते हैं अपने मोबाइल वगैरह को चार्ज करने के लिए, क्योंकि दोस्तों आजकल जो चार्जर है मोबाइल के वो भी डिफरेंट तरह के आ रहे हैं। किसी के आगे 2 पिन होता है, किसी के आगे 3 पिन होता है, और कुछ पतरी वाले शू होते हैं। तो ये उन चीज़ों के लिए बनाया गया है ऑल इन वन। यानी कि दोस्तों ये यूरोप में शू इस्तेमाल होते हैं, अब एशिया में भी आ चुके हैं, तो इसलिए दोस्तों ये चाइना फिटिंग में जो आपको ये शू अब मिल जाएंगे बोर्ड वगैरह अपने घर में लगाने के लिए। तो यहाँ दोस्तों सबसे पहले जो हम है ये छोटे को देख लेते हैं कि ये किस तरह से है। दोस्तों ये सबसे पहले तो ये डैश कंपनी का है, मतलब आप चाइना फिटिंग की कोई भी शीट अपने घर में नई वायरिंग करवाते हैं तो उनमें ये बोर्ड आपको लगते हैं आपके घर में, तो उनमें बोर्ड ये भी मौजूद होते हैं। अगर आप उनसे मांगेंगे तो तब जाके दोस्तों आपको ये मिलेगा, नहीं तो दोस्तों आपको नहीं मिलेगा, आप आम बोर्ड ही लेके आ जाएंगे। जब आप उनको कहेंगे तो वो आपको निकाल के दिखा देंगे। अभी मैं आपको निकाल के दिखा देता हूं दोस्तों। ये देखें दोस्तों ये मल्टी कलर का है ऑल इन वन, यानी कि दोस्तों पूरी दुनिया में कोई भी शू बना होगा तो आप इसके अंदर आसानी से लगा सकते हैं, और साथ में दोस्तों आपको ये बटन मिल जाएगा। यानी कि दोस्तों आपने 2 पिन लगाना है शू तो इसमें लगेगा, अगर 3 पिन लगाना है तो आपने दोस्तों उल्टा करके लगा देना है, एक उसकी पिन जो है आगे वाली यहाँ आएगी और पीछे वाली 2 यहाँ आएंगी, तार उसकी ऊपर वाली साइड पर होगी, इस तरह से आप देख लें। तो अगर दोस्तों पतरी वाला शू है तो फिर तो आप ये देखें अक्सर टेढ़ी पतरी वाले शू आते हैं, बाहर वाले कंप्यूटर की पावर केबल लेना तो दोस्तों उनकी टेढ़ी पतरी होती है, तो वो दोस्तों आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं। और जो चार्जर के साथ दोस्तों आपको 3 पिनों वाले अडाप्टर मिल रहे हैं जिसके वह चौड़ी सी आगे पिन बनी होती है, तो वो दोस्तों 2 यहाँ लगेंगी और 1 दोस्तों यहाँ लगेगा। तो जो दोस्तों नीचे आप 3 पिन फिर भी यूज़ कर सकते हैं छोटे वाला, तो यहाँ दोस्तों उसकी 2 पिन आएंगी और 1 दोस्तों यहाँ बड़ी पिन फिर आएगी। तो इस तरह से दोस्तों अगर आपको इसकी ज़रूरत है तो आप इलेक्ट्रिक शॉप से जाके उसको बोलें कि मुझे 1+10, इसका नाम है दोस्तों शीट का 1+10, मुझे 1+10 का जो है वो बोर्ड दें चाइना फिटिंग में, तो दोस्तों वो आपको ये निकाल के दे देगा, अगर उसको पता हुआ तो, अगर उसने अपनी शॉप में रखा हुआ तो, नहीं तो वो आपकी बात को समझेगा ही नहीं। तो दोस्तों यहाँ देखें ये इसकी बैक साइड है, इसके पीछे आपको दोस्तों एक छोटा सा बोर्ड वगैरह मिलेगा जो आप दीवार के साथ इस तरह से लगा सकते हैं। तो ये दोस्तों आपको पेच मिलेंगे, ये पीतल के लगे हुए हैं दोस्तों, ये आम मामूली चीज़ नहीं है दोस्तों, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, क्योंकि दोस्तों ये मेरी इलेक्ट्रिक शॉप पर पड़ा था तो सोचा दोस्तों को भी बता दिया जाए। तो ये तो हमारा हो गया छोटे साइज में। अब दोस्तों हमारे पास है ये बड़ा साइज, ये भी दोस्तों डैश कंपनी का है। दोस्तों आपने ये टेंशन नहीं लेनी कि ये सिर्फ डैश कंपनी में है, दोस्तों ये आपको हर कंपनी में मिलेगा, आप कोई भी चाइना फिटिंग की शीट लेना चाहेंगे वो आपको हर कंपनी में मिल जाएगा ये चीज। तो दोस्तों अब इसको हम बाहर निकालते हैं, तो ये देखे दोस्तों ये भी डैश कंपनी का है, ये आपको ऊपर प्रिंट भी मिल जाएगा, और दोस्तों ये थोड़ा सा स्टाइलिश है, ये आपको नजर आ रहा होगा, ये बिल्कुल सादा सा नहीं है, ये देखे थोड़ी थोड़ी लहरें हैं इसके ऊपर, तो ये डबल है।
यानी कि दोस्तों ये सिंगल था और ये डबल है। अगर आपने अपने घर में कंप्यूटर वगैरह रखा हुआ है तो दोस्तों ये बोर्ड जो है आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि जहां कंप्यूटर है उसके काफी ज्यादा इशू होते हैं। एक सीपीयू का होता है, एक एलईडी का होता है और साथ में बुफर का भी होता है। अगर दोस्तों आपने कोई और चीज भी रखी हुई है साथ में तो दोस्तों उसका भी जहरी बात है शू होगा, तो वो सारे शू दोस्तों ये एक बोर्ड कवर कर लेगा अगर आप उस जगह पे ये बोर्ड लगवा लेते हैं। तो इसका नाम है दोस्तों 2+20, इसका नाम है 1+10, इसका नाम है 2+20। तो वो सिंगल था, ये डबल था, इसलिए दोस्तों ये, और साथ में दोस्तों आपको ये वाला बटन इस साइड का मिल जाएगा ये सारे फंक्शन का, और ये वाला बटन जो है इस फंक्शन का आपको मिल जाएगा। इसकी भी बैक साइड दोस्तों वैसे ही है, आपने इलेक्ट्रिक शॉप से ये बोर्ड लाना है। अगर दोस्तों आपने खुद लगाना है तो मुझे आपने बता देना है नीचे कमेंट्स में, मैं आपको बता दूंगा कि आप इसको घर में किस तरह से फिट कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप इलेक्ट्रिशियन से लगवाना चाहते हैं तो फिर तो आपको दोस्तों परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो इलेक्ट्रिशियन खुद ही समझदार होते हैं, वो लगा लेते हैं। तो दोस्तों ये है वो बोर्ड। तो दोस्तों ये थे बोर्ड जो मैंने आपको बता दिया। दोस्तों ये है 1+10 और ये है 2+20, इनके नाम है दोस्तों, आपने याद कर लेने हैं। किसी भी इलेक्ट्रिक शॉप को जाके इस तरह से कहना है, वो समझ जाएगा अगर उसने ये चाइना फिटिंग में बोर्ड रखे हुए तो, अगर नहीं रखे हुए तो वो आपकी बात को नहीं समझेगा। तो दोस्तों ये थी आज की छोटी सी वीडियो। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे, हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अगली वीडियो में हाजिर होता हूँ, अल्लाह हाफिज़।